हेलो गाइस, अगर आप हमारी सीरीज ऑलरेडी देख रहे हैं तो आप हमारे इस इंट्रोडक्शन को स्किप कर सकते हैं और अपने चैप्टर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी सीरीज देख रहे हैं तो इसको इंट्रोडक्शन को अच्छे से सुनना ताकि आपको बेनिफिट हो पूरी सीरीज देखने में और आपकी हेल्प हो सके कि ये आपको सीरीज किस तरीके से हेल्प करने वाली है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज कि ये सीरीज किस किस के काम की है। ये तीन लोगों के काम की सीरीज है। फर्स्टली इसको NSM सीरीज 5 के एग्जाम देना है उसके है काम की है। सेकंड, जो एग्जाम दे चुका है उसको एग्जाम क्लियर है, उसको अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं और वो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है, अपना बिजनेस एनहेंस करना चाहता है, तो ये ट्रेनिंग उसके भी काम की है। थर्ड, आपको एग्जाम देना नहीं, ना ही आपको म्यूचुअल फंड सेल करने, लेकिन फिर भी आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, क्योंकि कल की डेट में आप मार्केट में जाके परचेज करोगे तो कोई आपका पागल ना बना सके। ठीक है दोस्तों, तो भी ये आपकी काम की होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर हो चुका है कि ये आपके काम की है या फिर नहीं। अगर आपके काम की है तो वीडियो कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और चैप्टर टू की तरफ बढ़ते हैं। इस चैप्टर टू में मेनली हम क्या क्या सीखने वाले हैं, एक तो आपको आज म्यूचुअल फंड का थोड़ा बेसिक क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। फिर हम उसके कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे एडवांटेज देखेंगे म्यूचुअल फंड के, क्या क्या एडवांटेज है आपको, लिमिटेशंस भी थोड़ी देखेंगे, बाकी स्कीम्स के बारे में बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड की क्या क्या स्कीम्स है और हर स्कीम में क्या होता है। ठीक है, ये सब जैसे जैसे आपकी वीडियो आगे बढ़ेगी ये सब आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट वन है उससे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला जो आपका आज का कॉन्सेप्ट है वो है कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में है क्या, वो काम कैसे करता है। तो इसमें यहां पर लिखा हुआ है आपका, म्यूचुअल फंड इज ए व्हीकल टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट मार्केट एंड सिक्योरिटीज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड एक तरीके से एक व्हीकल का काम करता है जो कि मोबिलाइज करता है जो सेविंग्स होती है, एक आम जनता की जो सेविंग्स होती है उसको मोबिलाइज करता है AMC के थ्रू, म्यूचुअल फंड में जितने लोग काम करते हैं उनके थ्रू, ताकि वो इन्वेस्ट हो सके शेयर मार्केट में। ठीक है, और जो उसका रिटर्न आए तो वो रिटर्न की फॉर्म में जो म्यूचुअल फंड का यूनिट होल्डर है उसको मिले। ठीक है, यही एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है म्यूचुअल फंड का कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। जैसे जैसे आपके आगे क्लास बढ़ेगी मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि ये एक्चुअल में अगर पॉइंट वन से आज शुरू होता है तो ये एंड तक कैसे जाता है और वापस आपके पास रिटर्न कैसे आती है, वो एक एक चीज आप इन वीडियोज की सीरीज में कंप्लीटली सीख जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलो रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का रोल क्या होता है। सबसे पहला, हेल्प इन्वेस्टर्स इन अर्निंग एन इनकम और बिल्डिंग देयर वेल्थ। अगर कोई बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसके दो ही तो मोटिव होते हैं, पहला तो उसकी रिटर्न आएगी, वो उसको एक तरीके से अपनी इनकम की तरह देखेगा, सेकंड एक उसकी वेल्थ क्रिएट हो जाती है, यानी थोड़ी थोड़ी सेविंग करते 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 उसके पास एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है तो उसकी एक वेल्थ बनती है। ठीक है दोस्तों, चलो ये भी हो गया आपका क्लियर। ऑफर लाइवलीहुड टू ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि जो इस इंडस्ट्रीज में है म्यूचुअल फंड AMC के अंदर काम करते हैं एम्प्लॉइज है, तो एक तरीके से ये एक एम्प्लॉयमेंट भी मार्केट के अंदर पैदा कर रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स की अर्निंग भी होती है, यानी जो कमीशन आते हैं उनसे उसका घर चल रहा है, तो ठीक है, तो म्यूचुअल फंड यहां भी हेल्पफुल है आपके लिए। म्यूचुअल फंड कैन ऑल्सो एक्ट एज ए मार्केट स्टेबलाइजर। आप ना दोस्तों ना मेरी प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा ना सीरियसली मत लेना, क्योंकि मेरी ना थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, ठीक है, इसको आप थोड़ा इग्नोर करना, और हो सके तो मैं अगर कोई वर्ड गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताना, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी मुझे बताना ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, धीरे धीरे बहुत सारे वर्ड मेरे जो है वो प्रोनाउंसिएशन ठीक होने लगी। ठीक है, चलो ये आपका हो गया क्लियर। एक मार्केट स्टेबलाइजर का काम कैसे करता है, ये कैसे करते हैं आपका काम मार्केट स्टेबलाइजर का, ये क्योंकि बहुत बड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करता है किसी शेयर्स में, जब शेयर्स में ज़्यादा अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो टाइम भी ज़्यादा के लिए रखता है, तो उसकी फ्लक्चुएशन शेयर की प्राइस की कम होती है, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा हिस्सा म्यूचुअल फंड ने अपने पास रखा हुआ है, तो इसलिए एक तरीके से मार्केट स्टेबलाइजर का काम भी ये करता है। ठीक है, बाकी इसको हम डीपली और पढ़ेंगे आने वाली सीरीज में, मैं और आपको मार्केट स्टेबलाइजर ये कैसे है
उसको मैं आपको अच्छे से बताऊंगा आगे, ठीक है। हाँ तो सिर्फ आपको एक एक लाइन में था, तो इसलिए आपको थोड़ा सा मैंने सिर्फ बेसिक बताने की यहाँ पे कोशिश की है। अब आता है आपका मेन कॉन्सेप्ट, एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आपसे कोई भी एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा, उसमें दो चार चीजें देगा कि इसमें से एडवांटेज कौन सा है, इन्हीं में से कोई एक होगा, तो आप अगर आपने को पढ़ा होगा समझा होगा तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ये इसका एडवांटेज है, ठीक है। क्या है? प्रोफेशनल मैनेजमेंट। सबसे पहला बेनिफिट तो इसका यही है कि प्रोफेशनली मैनेजमेंट करते हैं आपके पोर्टफोलियो की। अगर मैं एक आम आदमी हूँ और मुझे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है और मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, तो म्यूचुअल फंड मुझे एक अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं उस मार्केट में एक प्रोफेशनली मैनेजमेंट करके कैसे इन्वेस्ट करूँ। क्योंकि एक आम आदमी जिसको 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी है, वो कहीं से इस तरह के प्रोफेशनल्स तो हायर करेगा नहीं कि मेरे को 10,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट के लिए आप बताओ, क्योंकि उनकी फीस ऑलरेडी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, और ना ही वो उसमें गाइड कर पाएंगे उसको। तो इसलिए म्यूचुअल फंड आपको बेनिफिट देते हैं कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट का। चलो, अफोर्डेबल पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। म्यूचुअल फंड के थ्रू आपकी डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाती है पोर्टफोलियो, जिससे आपकी रिस्क मैनेजमेंट भी हो जाता है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में पैसा लगाते हैं ताकि आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए, ठीक है। लिक्विडिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। लिक्विडिटी सबसे पहली चीज की, अगर आप चाहो, अगर आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आप हैंड टू हैंड निकाल सकते हो। वो लिक्विडिटी का आपको जो म्यूचुअल फंड लेने से पहले ही पता होता है कि इसकी लिक्विडिटी कितनी है, तो इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आपके पास। साथ ये कभी नहीं होगा कि आपने कोई शेयर ले लिया, मतलब म्यूचुअल फंड ले लिया आज की डेट में, और आपको पता ही नहीं कि ये उसने बताया नहीं कि ये 5 साल तक निकाल नहीं सकते। आपको लेने से पहले आइडिया होता है कि उसकी लिक्विडिटी कितनी है, तो इतनी ट्रांसपेरेंसी भी है, और ये भी आपके पास आता है कि उस म्यूचुअल फंड ने कहाँ कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का काम कैसे करता है, ये आपका मान के चलो मेरा 1,000 रुपये महीना का बजट है, ठीक है, तो ये उसी के अकॉर्डिंग आपको प्लान बता देगा आपके बजट के, आपकी पॉकेट फ्रेंडली, ठीक है, तो ये उसमें भी हेल्पफुल है। इन्वेस्टमेंट एंड रेगुलेटरी कंफर्ट। इन्वेस्टमेंट करना आसान हो जाता है, रेगुलेटरी कंफर्ट तो है ही, क्योंकि इसको सेबी भी रेगुलेट करता है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अब रेगुलेटेड है, इस ऐसा नहीं है कि इसको रेगुलेट नहीं कर रहा कोई, जैसे क्रिप्टो है वो इंडिया में भी रेगुलेटेड नहीं है, तो इसमें इन्वेस्ट करते टाइम आपको सोचना पड़ेगा, बट म्यूचुअल फंड जो है वो रेगुलेट है सेबी के द्वारा। सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट। ये सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं कि कहाँ पर करना है, कितना करना है, कब निकालना है, ये सब चीज़ें एक सिस्टम है, ठीक है, तो ये सब इनके एक तरीके से एडवांटेज है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और म्यूचुअल फंड। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो आपको जब आप म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे होते हैं ना, तभी आपको पता होता है कि ये म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये किस ऑब्जेक्टिव से मुझसे पैसा ले रहा है और आगे किस ऑब्जेक्टिव से आगे लगाएगा, और मेरा ऑब्जेक्टिव उससे मैच होता होगा तो मैं लगाऊंगा, अदरवाइज नहीं लगाऊंगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल फंड। वंस द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज्ड, द म्यूचुअल फंड स्कीम्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज अराइव्ड एट। पहली बात तो ऑब्जेक्टिव ही डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका पैसा हम कहां लगाएंगे और किस पर्पज से ले रहे हैं, तभी तो हम उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाएंगे कि हम इसको इतने दिन के लिए यहाँ पर लगाएंगे या इस शेयर में इन्वेस्ट करेंगे या फिर इस पोर्टफोलियो में पैसा इतना लगेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आपका सेकेंडरी, पहले तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा, ठीक है। चलो, ये ऑलमोस्ट आपका कवर हो गया है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन म्यूचुअल फंड। फेस वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, यूनिट कैपिटल, एसेट अंडर मैनेजमेंट, रिकरिंग एक्सपेंसेस, मार्क टू मार्केट यूनिट्स। इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये आपको एक आगे आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें आपको डीपली बताया जाएगा, तो अभी मैं आपको ओवरव्यू देने से कोई फायदा नहीं है कि मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊँ। इससे बेटर ये है कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा के प्रॉपर गाइड करूंगा कि इसमें आपकी फेस वैल्यू कौन सी है, नेट एसेट वैल्यू कितनी है, यूनिट कैपिटल क्या होती है, एसेट अंडर मैनेजमेंट क्या होते हैं, रिकरिंग एक्सपेंसेस कैसे देखते हैं, मार्क टू मार्केट क्या होता है, यूनिट्स किसको बोलते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ म्यूचुअल फंड फॉर इन्वेस्टर्स। जैसे मैंने इतने सारे फायदे तो आपको बता दिए म्यूचुअल फंड के कि आप करोगे तो आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होगा, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट हो जाएगा, मैंने इतने सारे आपको फायदे गिनवा दिए। इसमें कुछ नुकसान भी तो होंगे ना, लिमिटेशंस भी तो होगी ना उनकी। क्या लिमिटेशंस है? पहली, लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन, यानी कि जो पोर्टफोलियो की कस्टमाइजेशन है वो आपके हाथ में नहीं है। वो किसके हाथ में है? वो आपकी एसेट
मैनेजमेंट कंपनी के हाथ में है, जो उसके एसेट मैनेजर डिसाइड कर लेंगे, फंड मैनेजर डिसाइड कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मतलब आपके 1% भी कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर कि आपको उसमें ये बोले कि यार तुमने इसकी कंपनी के शेयर क्यों लिए, मेरे को तो लेने ही नहीं थे। मतलब आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, कस्टमाइजेशन आपकी है ही नहीं, नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। अगर आपको फंड मैनेजर ने कोई खर्चा बता दिया कि ये फलाने फंड में ये खर्चा हुआ है, तो आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। अब ये नहीं कहोगे कि ये चीज़ कम कर लो आप, नहीं, कभी नहीं होगा। नो गारंटीड रिटर्न, रिटर्न भी गारंटीड नहीं होती क्योंकि मार्केट तो फ्लक्चुएट होती रहती है। चॉइस ओवरलोडेड, यानी कि चॉइस जो फंड मैनेजर ने चॉइस कर ली वो आपके ऊपर ओवरलोड के लोड कंप्लीटली की जाती है। ओवरलोड तो छोड़ा, कंप्लीटली की जाती है, आप उसमें चाह के भी चेंज नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड स्कीम कैटेगरीज एंड सेबी रेगुलेशंस, अप्रोक्स हमारे यहाँ पर 30 स्कीम्स हैं म्यूचुअल फंड की, ठीक है, जिसमें से इक्विटी की है 11, डेब्ट की है 16, हाइब्रिड है 6, सॉल्यूशन ओरिएंटेड की 2, अदर स्कीम 2 अप्रोक्स। इसमें और भी ज़्यादा स्कीम्स हैं हमारे पास, बट यहाँ पर जो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे वो 37 स्कीम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। चलो पहले तो यहीं से देना स्टार्ट करते हैं। इक्विटी स्कीम्स, जो भी म्यूचुअल फंड की स्कीम मोस्टली अपना पैसा इक्विटीज़ में लगाती है, वो इक्विटी स्कीम्स, जो भी नाम से आपको लग रहा है, डेप्ट में जो डेप्ट फंड्स में लगाती है, हाइब्रिड जो दोनों में लगाती है डेप्ट प्लस इक्विटी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो एक पर्टिकुलर किसी सोच के तहत लगती है, जैसे कि रिटायरमेंट फंड, चाइल्ड एजुकेशन फंड, अदर स्कीम्स में कोई भी हो सकती है। अभी हम पढ़ेंगे ना, आपको मैं एग्जैक्टली बताऊंगा ये क्या क्या होती है। इक्विटी स्कीम्स के नाम, सबसे पहला मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप का फंड का मतलब हो गया, ये देखो, ये आप जो मैंने टेबल बनाई हुई है यहाँ पे नेम लिखा हुआ है पहले, ये देखो नेम, फिर ये किस में इन्वेस्ट करती है, और फिर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। इक्विटी स्कीम है तो इक्विटी में कर रही है इन्वेस्ट, ठीक है। अगर मल्टी कैप फंड है तो तीनों कैप में करेगा, लार्ज कैप में भी, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी। अब आपको कि लार्ज कैप क्या होती है, मिड कैप क्या होती है, स्मॉल कैप क्या होती है, आपको मैं एक बार बता देता हूँ, आपको भी क्लियर हो जाएगा। इसको ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लो, पेन पेपर ले लो। जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज है, ठीक है, टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो टॉप 100 है उनको बोलते हैं लार्ज कैप, ठीक है, डन। फिर 101 से लेकर 250 तक जो भी कंपनीज आती है उनको बोलते हैं मिड कैप, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी कंपनी है वो सब स्मॉल कैप है, ठीक है, डन। तो मल्टी कैप कहाँ लगाते हैं, तीनों में। लार्ज कैप में कितना, 25, और ये मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा, लार्ज कैप में 25% मिनिमम, मिड कैप में 25%, स्मॉल कैप में 25। आपको ये 25 बाकी कहाँ है, ये मिनिमम अमाउंट है कि 25 इतना तो करना ही पड़ेगा तीनों में। अब बाकी उसकी चॉइस है फंड मैनेजर की कि वो लार्ज में ज़्यादा लगा रहा है या फिर मिड में ज़्यादा लगा रहा है या स्मॉल में ज़्यादा लगा रहा है, ठीक है, डन। लार्ज कैप फंड किस में लगाएगा, लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिनिमम कितना, 80%, ठीक है। आपका लार्ज कैप भी बताया, लार्ज एंड मिड कैप ये दोनों मिक्स करके लगाएगा स्टॉक्स में, लार्ज में लगाएगा 35, मिड में 35। ये परसेंटेज के बेसिस पे आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो, ठीक है भाई। मिड कैप फंड्स मैंने बता दिए, स्मॉल कैप फंड्स जो कि स्मॉल कैप में लगाएगा 35% मिनिमम। चलो डिविडेंड यील्ड, जो कि डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स में लगाएगा 65% ऑफ टोटल एसेट्स, ठीक है। वैल्यू फंड, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होगी जो कि 65% अपने टोटल एसेट्स का इन फंड्स में इन्वेस्ट करेगा, उसको बोलेंगे वैल्यू फंड। चलो इक्विटी स्कीम फोकस्ड फंड्स, ये फोकस्ड में होगा कि ये अपने बता देगा कि मैं इतने स्टॉक्स में पैसा लगाऊंगा, वो उसका उसी में फोकस रहेगा, उसी को परचेज सेल उसी को करेगा और उसी की रिटर्न आपको देगा, ठीक है। जैसे सेक्रेटेरियल जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर के अकॉर्डिंग पैसा इन्वेस्ट करेगा, जैसे को फार्मा में करना है, बैंकिंग में करना है, या फिर आपका टेलीकॉम में करना है, वो एक पर्टिकुलर सेक्टर में ही काम करेगा। रियल इस्टेट में करना है तो रियल इस्टेट में ही करेगा, ठीक है। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये मोस्टली उसमें चलती है LIC वगैरह में, ठीक है। चलो और आपका आता है फिर फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड मतलब इसमें कोई चॉइस ही नहीं उसकी, वो कहीं भी कुछ भी पैसा लगा सकता है, ठीक है। अब आपका एक MCQ है, ए म्यूचुअल फंड इज ओन्ड बाय, कौन ओन करता है म्यूचुअल फंड को, गवर्नमेंट तो इसकी रेगुलेटर है, सेबी रेगुलेटर है, MFI एसोसिएशन है, तो इन्वेस्टर ही तो ओन करता है, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है उसी, वही तो मालिक होता है उसका, ठीक है। बाकी सब तो इसमें साथ में चलते हैं,
फंड मैनेजर मैनेज करेगा, एएमसी अपने पास पैसा रखेगी, पैसा घुमाएगी, सेबी रेगुलेट करेगा, एएमएफआई एसोसिएशन बनाएगी म्यूचुअल फंड वालों की, ठीक है। तो ये ओन्ड होता है बाय इन्वेस्टर्स। डेप्ट स्कीम्स, डेप्ट स्कीम में भी कितने सारे फंड आपको बताए गए हैं, ओवरनाइट फंड जो ओवरनाइट सिक्योरिटीज में लगाते हैं जिसकी ड्यूरेशन होती है एक दिन, यानी कि एक दिन में आप पैसा निकाल सकते हो, एक दिन के लिए ले जाकर रख दो बात खत्म, अगले दिन आप निकाल लोगे। लिक्विड डेब्ट एंड मनी मार्केट में लगाते हैं जो कि 91 डेज तक के लिए ड्यूरेशन होती है मिनिमम, ठीक है। आप देख सकते हो ऐसे करके हमारे पास टोटल 11 के हमने आपको बताइए ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, एक से लेके 3 साल तक टाइम होता है, मनी मार्केट 1 साल तक के लिए होता है, मीडियम 3 से 4 साल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और रट लो, ठीक है, क्योंकि आप खुद इन्वेस्ट करोगे या कराओगे तो आपको याद रह जाएगा, एग्जाम के पर्पज से तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एमसीक्यू में पूछा ही जाएगा, ठीक है भाई। तो इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरनाइट तो आपको याद ही रह जाएगा, लिक्विड आपको रह जाएगा 91 डेज, मनी मार्केट 1 साल, और आपका शॉर्ट ड्यूरेशन हो गया 1 से 3 साल, मीडियम हो गया 3 से 4, और लॉन्ग टर्म मोर देन 7 ईयर्स, ठीक है। हाइब्रिड स्कीम, हाइब्रिड में क्या होता है, इक्विटी और डेब्ट में मिक्स होकर पैसा लगता है, उसमें लिखा है कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्या होगा, इक्विटी में 10 से 25% और डेब्ट में 75 से 90%, ठीक है, देख रहे हो ये। हाँ अब ये सही लग रहा है ना ब्रश, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कि मैं कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। बैलेंस्ड हाइब्रिड, देखो मेन क्या है, मैंने आपकी जो टेबल बनाई है ना बड़ी मेहनत से बनी हुई है, तो इसमें एक एक चीज आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की, आप अगर स्क्रीनशॉट लेके खुद भी पढ़ोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या है। मैंने आपको बेसिक बता दिया कि इक्विटी स्कीम क्या होती है, डेब्ट स्कीम क्या होती है, हाइब्रिड क्या होती है, बाकी परसेंटेज आप रटोगे तो आपको तभी याद रहेगी, बाकी नहीं तो आप मार्केट में जब आओगे जब आपको याद होगी ये चीज, ठीक है। चलो अब आता है नंबर आपका, आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में मैंने बताया था आपको ये किसी एक सॉल्यूशन पर्टिकुलर एक सोच एक ऑब्जेक्टिव से इनमें पैसा इन्वेस्ट किया, जैसे रिटायरमेंट फंड है तो ये रिटायरमेंट के पर्पज से होता है, इसकी मिनिमम जो लॉक इन होता है 5 साल होता है, और रिटायरमेंट एज विच एवर इज अर्लियर, यानी कि अगर मैं आज 25 साल की एज में हूँ तो, और रिटायरमेंट एज मेरी 60 है, तो 5 साल और 60 ईयर्स ऑफ मेरी एज, तो मिनिमम अर्लियर क्या हो गया 5 साल, तो मेरे लिए 5 साल का लॉक इन है। एक बंदा है वो 58 साल का है, 60 साल की उसकी रिटायरमेंट है, तो उसके लिए लॉक इन कितना होगा 2 साल, क्लियर। चिल्ड्रंस फंड ये भी 5 साल के लॉक इन के साथ में आता है, ठीक है, या फिर अटेंड और या फिर एज ऑफ, अगर बच्चा जब तक मैच्योर नहीं होगा यानी कि 8 साल 18 साल का नहीं होगा तब तक के लिए ये लॉक इन में रहेगा, यानी कि 17 साल के बच्चे के आप अगर ये करोगे ये वाले स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल का लॉक इन, ठीक है। अगर अगर आप करोगे किसी 10 साल के बच्चे का उसके लिए 5 साल लॉक इन, ठीक है। ऐसे करके आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है बना के, तो आपको ना क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है। चलो अदर फंड्स में इंडेक्स फंड्स आ गए, इंडेक्स फंड के तो पर्टिकुलर इंडेक्स में करते हैं, सेंसेक्स होता है आपकी टॉप 30 जो बीएससी में लिस्टेड कंपनीज होती है उनको सेंसेक्स बोला जाता है, और ऐसे ही जो निफ्टी 50 में लगाते हैं यानी कि जो एनएससी में टॉप 50 कंपनीज होती है जो उनका इंडेक्स बनता है उसको निफ्टी बोलते हैं, ठीक है। जो इस तरह के फंड्स में लगाते हैं उनको इंडेक्स फंड्स बोलते हैं। फंड्स ऑफ फंड, फंड्स ऑफ फंड का मतलब क्या होता है, जो एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसको फंड्स ऑफ फंड बोलते हैं, ठीक है भाई, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हाँ अब आ गया आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड और इंटरनल फंड्स, ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा आपका, एक्टिव वाला आएगा, ये न्यू टाइप आ जाएगा, फिर एमसीक्यू। अरे वाह आपको बड़ी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, ये तो पता ही नहीं चला आपको, कितने मिनट हुए अभी, 17 मिनट हुए अभी तो। थोड़ा पानी पी लूँ, थोड़ा पानी पी लेता हूँ, कि ये वाला आपको बड़े अच्छे समझाना पड़ेगा ना कि आपको क्लियर हो जाएगा फिर। चलो बात करते हैं बाय स्ट्रक्चर ऑफ द फंड, कितनी तरह के, अगर आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बात करते हो तो म्यूचुअल फंड कितनी तरह के होते हैं। पहला बात करते हैं ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड का मतलब ये होता है कि आपका किसी फंड का आया है आज की डेट में NFO आया है, न्यू फंड ऑफर, ठीक है, और वो परमानेंट ओपन ही रहता है, बंदे आते रहते हैं जाते रहते हैं और वो फंड खुला ही रहता है, मतलब उसमें ना एक तरीके से ना तो उसका जो कैपिटल होती है वो फिक्स होती, क्योंकि उसमें क्या है
कि लोग आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, वो परमानेंट उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक टाइम के बाद उसके कंपनी जो है एप्लीकेशन मनी लेना बंद कर दे, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट कराना बंद कर दे कंपनी, ऐसा नहीं होता ओपन एंडेड में। ओपन एंडेड क्या होता है, परमानेंट ओपन होता है, आप उसमें कभी भी जाकर उसको परचेज कर सकते हो। और क्लोज एंडेड में क्या होता है, उसकी एक डेट आ गई कि आज ये फंड मिलना शुरू हुआ, जैसे आईपीओ आता है उसमें एक डेट आ जाती है कि 3 दिन के लिए आपको आईपीओ मिलेगा, ऐसे ही क्लोज एंडेड में होता है कि आपको एक ड्यूरेशन आ जाएगी कि इतने दिन के लिए फंड ओपन रहेगा, यानी कि एनएफओ आता है इसमें, जैसे कि आईपीओ आता है ना शेयर्स का, तो इसमें आता है एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, ठीक है। तो उसमें एक ड्यूरेशन आती है कि इस ड्यूरेशन के बीच में जिसने खरीद लिया उतनी यूनिट फिक्स होती है उसके अंदर, और ओपन एंडेड में यूनिट फिक्स नहीं होती, समझ गए। तो क्लोज एंडेड में क्या होता है, जो जितनी अगर 100 यूनिट के लिए एनएफओ निकला है तो 100 यूनिट आपकी अगर बिक गई तो वो नई यूनिट कोई भी एक इशू नहीं होगी, तो मार्केट में वही परचेज और सेल होगी, उसी से मूवमेंट अप डाउन होगी, और प्लस जहां पे वो पैसा लग रहा है वो भी जो उसकी एनएवी में इंपैक्ट आएगा उससे आएगा, यानी कि उसमें आपकी नंबर ऑफ यूनिट कभी नहीं बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्लोज एंडेड में नंबर ऑफ यूनिट कभी नहीं बढ़ेगी, और ओपन एंडेड में फिक्स नहीं होगी वो, क्योंकि क्योंकि लोग खरीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, क्लियर। ये एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। इंटरवल फंड दे आर लार्जली क्लोज एंडेड बट बिकम ओपन एंडेड एट प्री स्पेसिफाइड इंटरवल, ये होते तो क्लोज एंडेड ही है, लेकिन इसमें ना इंटरवल एक टाइमलाइन डिसाइड कर दी जाती है कि इतने टाइम के लिए इसको ओपन करेंगे, कि 15 दिन के लिए ओपन कर दिया तो उसमें लोग खरीद सकते हैं, यानी बीच में कभी भी आ सकता है वो इंटरवल। आपने एक बार लेके छोड़ दिया, क्लोज एंडेड फंड है ठीक है, बीच में उसका इंटरवल आया एक बार तो उस पीरियड के लिए वो ओपन होगा, तब उसको लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरवल फंड आपका ये हो गया। ट्रांजेक्शन पीरियड द पीरियड वेन द इंटरवल स्कीम बिकम्स ओपन एंडेड मिनिमम ड्यूरेशन इज 2 डेज, यानी 2 दिन के लिए तो कम से कम ओपन होगा ही होगा इंटरवल फंड, अगर वो थोड़े टाइम के लिए अगर ओपन एंडेड बन रहा है तो 2 दिन के लिए तो कम से कम होगा ही होगा। इंटरवल पीरियड मैक्सिमम 15 डेज, यानी 15 दिन से ज्यादा का नहीं होगा आपका इंटरवल पीरियड, ठीक है, क्लियर। ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाएगा ही जाएगा कि ट्रांजेक्शन पीरियड कितने दिन का मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम कितना हो सकता है, ठीक है। और क्लोज एंडेड में आपका यूनिट्स फिक्स होती है नहीं होती, या फिर ओपन एंडेड में नंबर ऑफ यूनिट्स फिक्स होती है या नहीं होती, इस तरीके के क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। जब मैं आपके साथ में क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा तब आपको क्लियर होगा कि हाँ कि ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ के कितना अच्छा किया, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स बाय मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, क्या क्या है हमने यहाँ पे 3 किए हैं, एक्टिवली मैनेज, पैसिव मैनेजमेंट, बाय मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, मेनली 2 ही तो है। एक्टिवली अगर अगर फंड मैनेजर रेगुलर इंटरवल पर उसको मैनेज कर रहा है, परचेज भी कर रहा है सेल भी कर रहा है और पूरा ध्यान रख रहा है तो उसको एक्टिवली मैनेज बोलेंगे। और पैसिव फंड क्या होगा, अगर आप किसी एक इंडेक्स को फॉलो कर रहे हो और उसी के अकॉर्डिंग प्राइस अप डाउन हो रहे हैं और इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है फंड मैनेजर का, क्योंकि वो सिर्फ ट्रैक कर रहा है उस पर्टिकुलर इंडेक्स को, तो वो होता है पैसिव फंड्स, ठीक है। आप इसको पढ़ो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैंने जो आपको बताया एग्जैक्टली बात वही है। न्यू टाइप ऑफ फंड में आपके क्या क्या आए हैं जो आज के टाइम में नए चल रहे हैं, आज के मॉडर्न टाइम में क्या क्या है। स्मार्ट बीटा फंड आ रहे हैं ना, एक्सटेंशन ऑफ इंडेक्स और ETFs, दे चेंज द बेसिक्स ऑफ एक्सपोजर इन पोर्टफोलियो द इंडेक्स यूजिंग ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ मुझे तो क्लियर हुआ नहीं। इसमें क्या होता है, ये जो आपके इंडेक्स है, जो इंडेक्स फंड में क्या होता है, ये एक तरीके से इंडेक्स फंड का एक्सटेंशन है। इंडेक्स फंड में क्या होता है, एक बार फंड मैनेजर ने डिसाइड कर लिया कि मैं पर्टिकुलर इंडेक्स से बाहर नहीं जाऊंगा, बात खत्म, उसकी मूवमेंट अच्छी हो बुरी हो कुछ भी हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर ध्यान लगाएगा, ठीक है। और स्मार्ट बीटा फंड में क्या होगा कि इंडेक्स तो उसने चूज किया है लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसकी रिस्क प्रोफाइल वो उसको चेंज कर सकता है, एक्सपोजर उसका बढ़ा सकता है घटा सकता है, तो ये बेनिफिट है आपके स्मार्ट बीटा फंड का। क्वांट फंड में क्या होता है, पास्ट डेटा को एनालाइज किया जाता है, वो भी सॉफ्टवेयर बेस, कि उन कंपनीज की ये इन्होंने वो स्ट्रेटजीज फॉलो की थी, वो परचेज किया था फंड, वो स्कीम्स फॉलो की थी, वो इस तरीके से रन की थी, उसके अकॉर्डिंग एक एनालिसिस होती है आपकी, एक जो कि सॉफ्टवेयर बेस होती है मशीन बेस, ठीक है, जो जिसके बेस पे इन्वेस्टमेंट होती है
क्वांट फंड, क्वांट फंड रिलाय ऑन डेटा एनालिसिस एंड नंबर्स यूजुअली अंडरटेकन बाय मशीन्स टू सेलेक्ट द सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो. दे आर प्री डिटरमाइंड मॉडल्स दैट आर क्रिएटेड एंड दीज आर डिराइव्ड थ्रू एनालिसिस ऑफ पास्ट डेटा. बताया ना मैंने आपको वही चीज कि पास्ट डेटा को एनालाइज करके डिसीजन लिए जाते हैं, वो भी मशीन की हेल्प से. तो वो क्वांट फंड है आपका, ठीक है. इंटरनेशनल REIT जो कि आपको एक्सपोजर देगा इंडिया में बैठ के इंटरनेशनल रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उसको इंटरनेशनल REIT फंड बोला जाएगा, ठीक है. तो यानी कि ये जो फंड होते हैं ना, ये आउट ऑफ इंडिया रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसके जो भी रिटर्न आते हैं वो यूनिट होल्डर्स में बांटते हैं, ठीक है भाई. अरे वाह, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, MCQ डिस्कस कर लेते हैं. इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी लाइ, इसको है ना ये ओपन कर लेते हैं. इंडिकेट्स हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड इन केस ऑफ स्कीम इज लिक्विडेटेड. इसमें क्या होता है, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमने कुछ फैक्टर्स पढ़ने वाले थे कि इम्पोर्टेंट टर्म्स. तो जैसे कि आपके शेयर्स का प्राइस होता है वो मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग सेल परचेज होती है उसकी. यानी कि अगर आज रिलायंस का शेयर 2400 रुपये का है तो अगर मेरे पास 10 शेयर है तो मैं 2400 के रेट में बेचूंगा, बाकी जो टैक्स वैक्स लगेंगे बात अलग है. तो उसी के बेस पर मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है. अगर कल की डेट में मार्केट प्राइस डाउन होगा तो मुझे पैसे कम मिलेंगे. ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स में जो आपके म्यूचुअल फंड परचेज और सेल किए जाते हैं वो एक नेट एसेट वैल्यू पे किए जाते हैं, ठीक है. वहाँ पे मार्केट प्राइस नहीं होता, ठीक है, वहाँ पे होता है नेट एसेट वैल्यू. तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि अगर लिक्विडेटेड फंड में अगर जो हमारे पास पैसा आएगा तो वो कैसे आएगा, हाउ मच मनी कैन बी जनरेटेड पर यूनिट. तो पर यूनिट के हिसाब से NAV देखी जाती है, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है. तो इसका आंसर हो गया नेट एसेट वैल्यू. चलो, एसेट अंडर मैनेजमेंट कौन होती है, जो इस फंड को मैनेज कर रही होती है. मार्केट प्राइस क्या होता है, ये शेयर्स के लिए यूज किया जाता है कि मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, ठीक है. एग्जिट लोड क्या होता है, जो आपका बेचने के टाइम पे खर्चा आता है उसको बोलते हैं एग्जिट लोड, ठीक है. तो आपको जो पैसा मिलेगा ना वो एग्जिट लोड घटा के मिलता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है. वो एक एंट्री लोड होता है, एंट्री लोड आपको जोड़ना पड़ता है खरीदते टाइम, तो यानी वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है. ईच म्यूचुअल फंड स्कीम मस्ट हैव अ स्टेटेड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव. हाँ, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैंने आपको शुरू में बताया, हमने पढ़ा था ये चीज. तो यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड का एडवांटेज क्या है, कस्टमाइजेशन पोर्टफोलियो, ये तो कर ही नहीं सकते, लिमिटेशन थी ये तो. कन्वीनियंस टू बाय स्टॉक एंड बॉन्ड डायरेक्टली फ्रॉम, नहीं हम डायरेक्टली थोड़ी ना परचेस करते, वो तो हमारे लिए फंड मैनेजर परचेस करते हैं, ये भी नहीं है. इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल बताया था मैंने, ठीक है. तो ये वो आ गया आपका इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल. द ट्रांसपेरेंसी लेवल इज म्यूचुअल फंड आज वेरी लो, नहीं इसमें तो हाई होता है, तो मैंने उसके एडवांटेज में पढ़ा था, तो ये फॉल्स है. Which amongst the following categories of mutual fund have a fixed maturity date? Fixed maturity date किसकी होती है? Close-ended fund की. ये रहा. क्योंकि open-ended तो कभी open ही रहता है वो, तो उसकी तो कोई fixed maturity date है ही नहीं, मैंने आपको बताया था अभी. ठीक है दोस्तों, clear? कुछ बचा है अब इसमें? हाँ, अभी तो और questions बचे हुए. An open-ended mutual fund is one that has an option to invest in any kind of security and upper limited on its NAV. Units available for sale and repurchase at all the times. यानी इसका आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है. चलो, an investor in a closed-ended mutual fund can get his her money back by selling his her units back to the mutual fund. अच्छा, closed-ended में क्या होता है, back to the mutual fund के पास नहीं आती है. closed-ended में ये आपस में ही लोग sale purchase करते हैं, ठीक है, on a stock exchange where the fund is listed. इसका आंसर होगा ये, ठीक है. Units from an open-ended mutual funds are bought. Open-ended की कहाँ से purchase करते हैं हम, ये तो mutual fund से ही purchase करेंगे हम, क्योंकि अगर closed-ended होते stock exchange में list कराना पड़ता है, वहाँ से हम purchase कर पाते. Open-ended में तो हमेशा खुला ही रहता है, तो mutual fund ही sale करता है उसको. इसका आंसर है बी. The load charged to an investor is a mutual fund is a एंट्री फी, कॉस्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द यूनिट सर्टिफिकेट आर प्रिंटेड, द एक्सपेंस इनकर्ड बाय फंड मैनेजर, द फीस द एजेंट चार्ज टू द इन्वेस्टर. इसमें आएगा सी. सी क्यों है, तो लोड है ना दो तरह के होते हैं, एंट्री लोड एग्जिट लोड. एंट्री लोड में क्या होता है, आपकी वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है. यानी आपने 10 रुपये के NAV कोई शेयर लिया, म्यूचुअल फंड लिया,
और ₹1 एंट्री लोड है तो आपको 11 का पड़ गया, ठीक है, और वहीं पे आपने उसको 15 का बेच दिया और आपका ₹1 एग्जिट लोड था तो आपके हाथ में ₹14 आएंगे। तो एक तरीके से खर्चा है फंड मैनेजर का, वो पूरा मैनेजमेंट करने में जो खर्चा आ रहा है उसको यहाँ पर बोला जाता है लोड, यहाँ पे एक्सपेंस नहीं बोला जाता ना ब्रोकरेज बोला जाता, यहाँ पे बोला जाता है लोड, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, ये आपकी चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पे आपके के एमसीक्यू भी कवर करने की पूरी कोशिश की है और एक सेपरेट सीरीज आएगी जिसमें कंप्लीट कम से कम 500 एमसीक्यू हम आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछे और ज़्यादा ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें जिनके एग्जाम है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।